Давай. चलो भाई तूने कौन सा टॉप लड़कियों वाले टॉप थे नहीं मिक्स टॉप था ये बोल अबे भाई वही है वही अच्छा, पहुंच गए अच्छा पहुंच गए क्या नहीं पहुंच थोड़ी गए अबे वही है गोलमाल पे माँ क्या करता है मेरे काम में पता पड़ा तो खड़े है तीनों के तीनों आप पहुंच गए केक तो कह रहा पहुंच गए जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर महादेव का मंदिर टाइम हो गया 6:15 तो चल बज ही गए वो तो जो उस साइड से चलते हैं वो यहीं तक जाते हैं और ये जो कैब चल रही है रूट पे ये लेंगी 200 रुपये लेती है आने जाने का पर आने जाने का वो नहीं पाएगा क्योंकि भीड़ है तो 100 या 120 ले रहे हैं क्योंकि भीड़ है ना उधर तो आने जाने के लिए रुकेंगे नहीं थे तुम्हारे लिए भाई यहाँ पे देखो पूरा जाम लगा हुआ है गंदे वाला और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं बड़ा बुरा हाल है खूब अंधेरा ये फुल अंधेरे में जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा प्लेस में ऊपर पड़ गया साले किसने तेरे को लाइटमैन बनाया पहुंच ही रहे जस्ट थोड़ा सा पूरी मार्केट है साइड में काफी दूर तक पहुंच गया बस थोड़ी देर हो गई नहीं आज दर्शन करके ही जाऊंगा मैं ये तो बात दर्शन कर लिए भाई भगवान जी के हालांकि बहुत जल्दी जल्दी वो भगा रहे थे वहाँ से देख भी नहीं पाए यार मज़ा आ गया पर जो भी है हर हर शंभू हर हर महादेव कोई कुछ बताएगा नाइट आउट मरवा दिया गया हमसे जबरदस्ती अभी 12:37 हुए नाइट आउट नहीं है हम शादी में आए शादी में आए सुबह विदाई पे ही निकलेंगे भाई हुआ क्या है शिवरात्रि के चक्कर में यहाँ पे ना कैब्स ये लोग नीचे नहीं लेके जा रहे वापस अराउंड 10 बजे से सारी पब्लिक पागल हो रखी है ये कैब वाले पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे हैं कि ये लोग नीचे ही नहीं लेके गए और सारे होटल लॉज वगैरह जो भी है यहाँ पे वो सारे फुल है ऑलरेडी तो अभी हम लोग ढाबे में बैठे हैं रात के 12:15 भाई कोई श्योरिटी नहीं है कि अभी कहाँ जाना है और ये लोग कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे कैब जाएंगी तब जाएंगे अभी आंटी भी हमें निकाल देगी थोड़ी देर में क्योंकि हमें थाली तो खानी नहीं है हमें मैगी वगैरह कुछ हल्का ही खाना लाइट फूड तो ये आंटी निकाल देगी अभी थोड़ी देर में कि भाई चलो निकलो यहाँ से तुम्हें खाना तो ऑर्डर करना नहीं है सारी धर्मशाला फुल है सारे लॉज फुल है चटाई तक नहीं मिल रही भाई बैठने की बाहर चल रही है बहुत ठंडी है कोई नहीं भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं भाई हेलो
टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं रात के कर रहा हो। और हम लोग अभी पहुंचे हैं वापस जा रहे भाई ऊपर। क्रैक पड़ गया ना। तो आज हमारा डे टू भाई। ये कुछ मेरे व्यू है मेरे होटल के रूम से, मतलब जो हॉस्टल हमने ले रखा उसके रूम से। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं राफ्टिंग कर। राफ्टिंग करने के लिए मेरे दोनों दोस्त तैयार हो रहे हैं, अनूप और प्रियांशु। मेरे को एक चीज बोल के सुनाओ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची का चांदी वाले सुना। चंदू की चाचा वॉल्यूम सही करना। चांद चंदू की चटनी इतनी निकल रही है भाई बस। ये तुम्हारी इस मधुर आवाज का क्या राज है ये बताओ। बस ठंड में हम ना देख सुंदर दर्शन के। ये वाला जो है ये मेरा बेड है, इस पे अनूप प्रियांशु सोया था, इधर नीचे अनूप। तो तैयार हो आप राफ्टिंग के लिए? यस, आज करेंगे पूरी 7 वेव 14 में 14 में पलट जाती है वो। इसकी पटी पड़ी है भाई। कर लेंगे हेल्प। चिल्ला अभी तो नहीं पाएगा ये। और ऊपर के जो दम डर जाएंगे और डरते रहोगे। आप छोड़ दो शरीर को। छोड़ दिया बस ऐसे छोड़ दो। मैं आपसे ज्यादा नीचे चला गया मैं। ये भैया रस्सी छोड़ दो। ले आओगे कि नहीं? रस्सी छोड़ दो। कोई नहीं ले आएंगे।